हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की हम बात करेंगे, जिसमें हम जो है वो किसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की बात करूँगा, किसकी बीएड फाइनल ईयर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे वीडियो डाला रिजल्ट के बारे में तो आपके कमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गए कि परसेंटेज कैसे यहाँ पर जो है वो निकालनी है। तो परसेंटेज देखिए दो तरीके से, अगर बात करूँ परसेंटेज, अगर आप ये निकालना चाहते हो कि हमारी सेकंड ईयर में या फिर बोलो फाइनल ईयर में जो है वो आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, तो वो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। इसके अलावा जो है वो आप ओवरऑल बीएड की आप निकालना चाहते हो कि बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के अगर परसेंटेज निकाली जाए तो कितनी आपकी यहाँ पर जो है वो परसेंटेज बनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए कमेंट अभी मेन चीज़ आप ही परसेंटेज निकाल लेते हैं, बट आपको टोटल मार्क्स इनके बारे में पता नहीं होने की वजह से आप नहीं निकाल पा रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंटों को पता भी होगा। बात करें यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें बात कर रहे हैं हम बीएड, किसकी बीएड फाइनल ईयर। अगर बात करते हैं फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर में हमें जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो कितने देखने को मिलते हैं। फाइनल ईयर ओनली फॉर फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल बीएड की नहीं निकाल रहा, हम ओनली फॉर फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं, तो हमें कितनी 825 मार्क, कितने 825 मार्क्स का हमारा जो है वो पेपर हुआ था, पेपर और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के सब कुछ हमें जो है वो कितना 825 यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए रिजल्ट अगर नहीं निकल रहा हो तो ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि रिजल्ट अभी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर साइड इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो रिजल्ट में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट रिजल्ट धीरे धीरे ट्राई करते रहोगे तो आपका एक बार निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ गई बात, यहाँ पर क्या है आपके मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं टोटल मार्क्स, जितने भी मार्क्स आपने प्राप्त किए, जैसे कि मान लीजिए आपने ये मान के चलिए आपने कितना आपने यहाँ पर लिया 600 मार्क्स आपने प्राप्त किए सेकंड ईयर में, क्या सेकंड ईयर में 600 मार्क्स आपने प्राप्त किया, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो 600 मार्क्स आपने प्राप्त किए उसको रखिएगा ऊपर, अब हमें 600 का यहाँ पर जो है वो परसेंटेज निकालना है, तो 600 बेटा हमें डालना है 825 इंटू परसेंटेज के लिए हमें इंटू कर देना 100 से, हमें जो भी हमें संख्या यहाँ पर मिलती है उस संख्या जो भी हमें इससे संख्या मिलती है वो परसेंटेज भी मिलेगी, जो भी परसेंटेज आपकी बनती है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लगभग यहाँ पर जो है वो कितने देखने को मिलती है, लगभग हमें 72 पॉइंट यहाँ पर जो है वो कुछ हमें देखने को मिलेगी, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये हुई बीएड ओनली फाइनल ईयर की। अब बात करते हैं कि देखिए फाइनल ईयर कर चुके हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में मिला के हमें जो है वो बीएड कोर्स में हमें परसेंटेज कितनी बनी है वो कैसे निकाले। तो उसके बारे में बात करूँ, देखिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे 1800, कितने 1800, कितने मार्क्स क्या पेपर वापस से बोलो 1800, आपने अंक प्राप्त किए 1200, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के आपने अंक प्राप्त किए हैं 1200, बटे में आपको डालना है 1800 इंटू का देना है 100 से, जीरो से जीरो गई। आपको डायरेक्ट आपको कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1200 में आपको 18 का भाग देना है, जो भी निकल के आएगी वो आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्या परसेंटेज आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, तो लगभग आपको 66.66% आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जीरो से जीरो कट गए, आप ये मान के चलिए आपका 1150 है जो भी है, उसमें आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है वो 18 का भाग देना है, 18 का भाग देते हो जिस जो भी यहाँ पर परसेंटेज निकल के आती है वो आपकी परसेंटेज आपकी बन जाती है बीएड में। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे, जो नॉलेज आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी प्रकार की फिर भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो बीएड रिगार्डिंग, रेवल्यूशन रिगार्डिंग, अगर ड्यू रह गया है, फेल दिखा रहा है क्या ड्यू रिगार्डिंग, यहाँ पर जो है वो आपके अगर क्यूरी हो, जो भी अगर आप पूछना चाहते हो बीएड से रिगार्डिंग, राजस्थान या अदर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, सभी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।